आपको दिखा देते हैं कि अभी की स्थिति और परिस्थिति क्या कहती है। महाराष्ट्र में किसकी अब होगी सरकार, उद्धव ठाकरे का क्या होगा। पल पल जिस तरह का घटनाक्रम बदल रहा है, इसीलिए इस आंकड़े के साथ हम आपके सामने आए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुमत के लिए चाहिए 144। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने विधायक हैं 106, जबकि दूसरी तरफ शिवसेना के पास सिर्फ 17 बचे हुए हैं, जिस तरह के दावे उधर से किए जा रहे हैं। हालांकि आंकड़ा लगातार घटता हुआ भी चला जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के 44, एनसीपी के 53 विधायक उन पार्टियों के साथ इंटैक्ट बने हुए हैं। लेकिन ये जो नीचे की तरफ है, ये विधायक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर इनको लेकर दोनों ही तरफ बढ़े तो देखिए आंकड़ा क्या कहता है। आप बीजेपी के जो समर्थक अन्य है 106 के साथ साथ जोड़ेंगे तो 113 हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है शिवसेना की ये बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, जो गुवाहाटी में लगातार टिके हुए हैं। इनको अगर बीजेपी खेमे की तरफ हम आगे बढ़ा देते हैं तो 151 का ये पूरा का पूरा आंकड़ा चला जाता है, यानी कि ये आंकड़ा पहुंचता है बहुमत से कहीं ज्यादा आगे। 144 चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन 151 यहां पर हो जाता है। अन्य बागी जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं शिंदे के साथ, अगर इनको भी यहां से निकालकर दूसरी तरफ हम जोड़ लें तो 163 का ये पूरा का पूरा आंकड़ा हो जाता है। इसी वजह से बीजेपी आराम से शहमात के इस बड़े खेल को देख रही है और अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। लेकिन यहां पर एनडीए का ये ख्वाब, देवेंद्र फडणवीस का ये ख्वाब और केंद्रीय नेतृत्व का ख्वाब, जैसा कि गोवा के सीएम कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की नजर बनी हुई है, क्या अब उनका रुख क्या रहता है, क्या इन तमाम लोगों को अपने साथ बीजेपी जोड़ पाएगी, यह बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की स्थिति देखिए, कांग्रेस की 44, एनसीपी के 53 तो बने हुए हैं, लेकिन शिवसेना की स्थिति यहां पर डावाडोल है, क्योंकि उसके ये 38 विधायक लगता बिल्कुल नहीं है कि वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के मनाने के बाद मुंबई आने वाले हैं, क्योंकि आज जिस तरह की बातें और जो खत सामने आ रहा है उससे स्पष्ट है कि शिवसेना यहां पर दो फाड़ दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगला कदम अब क्या होगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। संजय राउत बुला रहे हैं कि आइए बातचीत कीजिए, महाविकास अघाड़ी अब गठबंधन हम छोड़ देंगे लेकिन मुंबई आकर बातचीत कीजिए। लेकिन ये 38 विधायक गुवाहाटी से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में स्थिति यहां पर बेहद कमजोर उद्धव ठाकरे की नजर आ रही है।